ओपन कराटे चैंपियनशिप कलकत्ता में आयोजित की गई, जिसमें रीवा के दो भाइयों ने, जिनकी उम्र 9 और 13 साल है, गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। रीवा पहुंचने पर आज किया गया जोरदार स्वागत। छठवीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप कलकत्ता में आयोजित की गई। रीवा के दो सगे भाइयों ने, जिनकी उम्र महज 9 और 13 साल है, वहां पर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। रीवा पहुंचने पर आज किया गया इन दोनों बच्चों का जोरदार स्वागत। छठवीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप कोलकाता में रीवा के दो सगे भाइयों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में 30 व 31 जुलाई को आयोजित की गई थी छठवीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप। रीवा के 13 वर्षीय उदित लोधी ने गोल्ड मेडल जीतकर मध्य प्रदेश और रीवा जिले को गौरवान्वित किया। गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद रीवा पहुंचने पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उनके भाई उदय लोधी ने भी सिल्वर मेडल जीता था। वेस्ट बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में एक बेहद कड़े मुकाबले में कड़ी टक्कर देते हुए मेडल अपने नाम किया रीवा के लड़कों ने। हम आपको बता दें, वेस्ट बंगाल नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित छठवीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में रीवा के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें उदित लोधी ने 9 वर्ष आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल जीता। साथ ही इस प्रतियोगिता में उनके भाई उदय लोधी भी प्रतियोगी थे, उन्होंने भी 13 वर्ष की आयु के वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। एक अन्य प्रतिभागी आदित्य कुशवाहा ने भी सिल्वर मेडल जीतकर रीवा को गौरवान्वित किया। कोलकाता के सुभाष चंद्र स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश सहित विदेश की टीमों ने हिस्सा लिया, जहां रीवा के प्रतियोगियों ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए देश का परचम लहरा दिया। बच्चों की इस उपलब्धि से उनके कोच और परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं। चैंपियनशिप जीतकर रीवा वापस पहुंचने के बाद सभी बच्चों का सम्मान किया गया। फूलों की माला पहनाकर बच्चों का सम्मान किया गया। बच्चों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में इसी तरह मेडल जीतकर देश व रीवा को गौरवान्वित करने रहे, इस तरीके की शुभकामनाएं दी। इस बारे में हमने उदित लोधी, गोल्ड मेडलिस्ट और उसके पिता श्यामाचरण लोधी से बात की। साथ ही बात की हमने उनके कोच से। आइए आपको सुनाते हैं उन लोगों ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद कलकत्ता में जब वापस रीवा आए स्वागत समारोह के बाद हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। मेरा नाम उदित लोधी है। आपने गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी? और हुई थी वेस्ट बंगाल कोलकाता में। स्टेडियम का नाम है नेताजी इंडोर स्टेडियम में। किसके साथ मैच हुआ था आपका? यह फाइनल में बांग्लादेश वाले उससे हुआ था। आपने गोल्ड मेडल जीता है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा मैच? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। आगे क्या और भी प्रैक्टिस होगी? हाँ, और प्रैक्टिस करना और गोल्ड मेडल लाना है। क्या नाम है आपका? उदित लोधी। क्या नाम है आपका? श्यामाचरण लोधी। आपके बच्चे मेडल जीत के आए, क्या मैं किस तरह महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि कोई प्रतियोगिता में भाग लेना, मेडल लाना या नहीं लाना वो तो उनके प्रयास पर रहता है, लेकिन भाग ले ले यही सबसे बड़ी सफलता है। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आगे प्रयास रहेगा, लगातार मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। दो बच्चे आपके मेडल जी, एक गोल्ड एक सिल्वर मिला। हाँ, तो ये जो गोल्ड प्राप्त किया है कि आगे भी प्रयास करते रहें कि हर समय जब भी ये भाग ले गोल्ड इनको मिलते रहे। साथ ही जिन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है वो आगे गोल्ड के लिए कोशिश करते रहें। और सभी माता पिता को यही कहना चाहूँगा कि प्रयास करने के लिए बच्चों को जो है उत्साहित करते रहें। बाकी मेडल लाना, पुनः मैं ये कहूँगा कि मेडल लाना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रयास करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे की कोच है, उनको क्या कहना चाहिए? कोच को तो ये कहना चाहूँगा कि इनके अथक प्रयास से ही ये मेडल तक पहुँचे हैं, और इनका हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चे सभी प्रतियोगिता में शामिल हो, ये ज़्यादा प्रयास रहता है,
गोल्ड मेडल तो फिर वहाँ पर डिपेंड करता है कि वहाँ बच्चा कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो उनकी कोशिश पर ही निर्भर करता है।